So first one is this Maybelline Lash Sensational. This 1 2 3 4 5 6 and this is a 6. Can you will get a good size, a big quality, good size, big quality. Wow. Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ Amazon and Nykaa haul and मैंने बहुत सारी चीजें परचेज किया है, you know, एक एक करके and जो सारे ultimately receive हो चुके हैं. So I thought to share this with you guys and I just filmed this look for you guys. I'll be uploading it very soon, so stay tuned for that. Okay, so let's start with the Amazon products first. So first जो मेरे पास है वो देख रहा है, मेरे पास वो ये हेयर बैंड का सेट है जो नॉटेड हेयर बैंड मैं पहनती हूँ. आप मुझसे बहुत जो पूछते भी हो कि आपका हेयर बैंड जो कहाँ से लिया है, अपने लिंक दे दो. एंड ये नॉटेड हेयर बैंड जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडी है आजकल, सो आई ऑर्डर्ड दिस एंड मुझे ये मिला है टोटल 10 पीसेस जिसका प्राइस अराउंड 530 या 550 ऐसा कुछ था. मैं सब चीज का प्राइस ना स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी एंड लिंक पे दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर. एक्चुअली एग्जैक्टली जो पिक्चर मुझे दिख रहा था ना अमेजोन पे, वैसा सेम पिक्चर, आई मीन सेम जो डिजाइन था वो नहीं मिला, बट नो मैटर, क्योंकि मुझे हर एक की बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है. ये जो है मेरा हेयर बैंड का सेट है एंड यू कैन सी इसमें से कुछ जो है कॉटन मटेरियल का है, कुछ जो है सिंथेटिक मटेरियल का है एंड शाइनी सैटिन का भी है एक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. एंड दीज आर एक्चुअली अ वेरी गुड क्वालिटी हेयर बैंड एंड यू नो 10 पीस मुझे मिला है 550 के अराउंड. सो यानी कि ईच पीस पड़ रहा है आपको कॉस्ट 50 रुपीज या 51 या समथिंग ऐसा कुछ. जैसे कि शीन एंड क्लब फैक्ट्री में इसका प्राइस बहुत ही हाई रहता था, सिंगल पीस का प्राइस शायद 150-200 ऐसा रहता था, बट ये अमेजन पे मुझे 10 पीसेस मिल गया, सो आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, आई परचेज देम ऑल एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल. तो नेक्स्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो है ये फैनी बैग है एंड जस्ट लुक एट दिस हाउ प्रिटी इट इज. ये जो है ये होलोग्राफिक प्रिंटेड वाला है एंड यू कैन सी ये गोल्डन में है. इसका पीछे एक बकल दिया हुआ है विच इज एडजस्टेबल लाइक फैनी बैग. यू कैन वेयर इट लाइक दिस और यू कैन वेयर इट लाइक यहाँ पे वेस्ट पे पहन सकते हो आप. बहुत ही फंकी, बहुत ही सैक्सी लगता है. सो एंड ये भी बहुत ट्रेंड में है, सो इसलिए आई ऑर्डर दिस एंड इसका प्राइस था आई गेस 350 या 330 अराउंड. एंड इसका क्वालिटी भी अच्छा है, आई डोंट से कि बहुत अच्छा है लेकिन हाँ अच्छा है. लाइक जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे एक जिप मिलेगा जहाँ पे बस एक ही कंपार्टमेंट है. एक्चुअली जो स्क्रीन पे दिख रहा था, आई मीन जो पिक्चर पे था वो सिल्वरिश होलोग्राफिक में था, बट मुझे यहाँ पे लिखा नहीं था कि रैंडम भेज देगा, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्डन भेजा है. नो वरी, मुझे ये भी बहुत पसंद आया है. मैं कभी सिल्वर खरीद लूंगी क्योंकि आई रियली लव दिस फैनी बैग, दिस इज सो डैम कूल. मैं शायद यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी इसे पहने हुए, कितना कूल लग रहा है ये मुझ पे. एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. नेक्स्ट मैंने कुछ स्किन केयर एंड कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया है, मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को क्योंकि वही मेरे पास अभी दिख रहा है यहाँ पे. सो फर्स्ट जो है वो मैंने ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायोटिक पपाया स्क्रब जो है मैंने वो ऑर्डर किया है. ये रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब है फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये मुझे सूट करता है. एक्चुअली मैं इसे अपने कभी कभार यू नो बॉडी पे भी अप्लाई कर लेती हूँ एंड फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ कभी कभार एंड ये टैन में बहुत हेल्प करता है. इसका जो प्राइस है ये 199 रुपीज, जिसका मिलता है 75 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड जो मुझे अमेजन पे डिस्काउंट पे आई गेस 149 पे मिल गया. एंड विच इज लुक्स लाइक दिस, दिस इज रियली वेरी गुड स्क्रब फॉर योर फेस और योर बॉडी. आप कभी भी यूज कर सकते हो इसे, बस अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो यूज करने से पहले एक बार आप देख लेना पैच टेस्ट करके कि आपकी स्किन टाइप से नो हिसाब से सूट कर रहा है या नहीं. सो या फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम बायोटिक एंड ये जो है ये बायोटिक का बायो व्हाइट फेस वॉश है. आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो करती हो कि मैं इस फेस वॉश को यूज करती हूँ बहुत ज्यादा एंड आई लव दिस फेस वॉश. ये बहुत अच्छी तरह से नो फेस को क्लीन कर देता है एकदम, जो डर्ट एंड सीरम है उसे एकदम क्लीन कर देता है एंड एक फ्रेश फील देता है. बहुत ही ग्लोई लगता है इसे यूज करने के बाद एंड ये मेरे एक्ने प्रॉन स्किन को भी सूट करता है. दैट्स व्हाई आई लव दिस सो मच. एंड इसका जो ये प्राइस है ये 100 रुपीज ओनली, बट मुझे भी आई गेस ये भी शायद ऑफर पर मिल गया होगा, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली. इसमें आपको मिलता है 100 ml ऑफ प्रोडक्ट विच इज ग्रेट. सो यप, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो है लैक्मी पिच मिल्क मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप. इसका प्राइस है 199 रुपीज, में कोई ऑफर नहीं था. तो ये मैंने एक्चुअली 2 बॉटल मंगवाया है और 1 बॉटल मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहा रख दिया. तो ये मैंने एक्चुअली मम्मी को बहुत पसंद है ये वाला एंड मैं ऐसे यूज नहीं करती हूँ इसे.
दिस फॉर माय मॉम आई परचेस्ड इट. नेक्स्ट मैंने परचेस किया है 3 मस्काराज जो मैं यूज कर रही थी मेरी लास्ट कुछ वीडियोस में, लेकिन बहुत दिन पहले मैंने मंगवाई थी एक्चुअली. उसके बाद दिखाने का आई मीन हॉल में दिखाने का मौका नहीं मिला मुझे, सो वो मैं एक साथ दिखा देती हूँ. जो मेरे पास ये 3 मस्काराज, 2 फ्रॉम मेबलिन एंड 1 फ्रॉम फेसेस कनाडा. एक्चुअली मस्कारा जो है ना मिया वो अमेजन पे बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाता है, लाइक ऑफर पे चलता रहता है कभी कभार, सो इसलिए मैंने ऑफर देख के परचेस कर लिया. फर्स्ट वन इज दिस मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा, इज वाटर प्रूफ मस्कारा एंड इट्स अमेजिंग यू गाइस. आई एम अप्लाइंग इट राइट नाउ एंड यू कैन सी हाउ वॉल्यूमिनस माई आई लैशेज आर लुकिंग राइट नाउ. इट्स वेरी वेरी ब्लैक एंड इट्स वाटर प्रूफ. इसका जो प्राइस है ये है 510, बट ये अमेजन पे शायद मुझे 330 या फिर 400 पे मिल गया था, विच इज अ ग्रेट डील. नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, वाटर प्रूफ वर्जन है. मेरे पास का एक नॉन लाइक वॉशेबल वर्जन है मेरे पास, और ये जो है ये वाटर प्रूफ वर्जन है. ये मुझे मिल गया 238 में. इसका ओरिजिनल प्राइस है आई गेस 315 ऐसा कुछ. एंड ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट मस्कारा है. एंड इसका वॉन्ड काफी अच्छा है एक्चुअली, मुझे बहुत ईजी होता है अप्लाई करना इन मस्काराज, सो आई लव दिस मस्कारा टू. नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है फेसेस कनाडा का मैग्नेट आईज मस्कारा, एंड ये ड्रामेटिक वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा है. इसका प्राइस जो है 399 रुपीज, बट ये मुझे भी आई गेस यू नो 240 या 250 के अराउंड मुझे ये मिल गया था, विच इज अ वेरी गुड डील. ये उतना वॉल्यूमिनाइज इफेक्ट नहीं देता है, बट इट्स प्रीटी गुड यू नो, सेपरेट करता है लैशेस को. इसका भी वॉन्ड जो है थोड़ा सा थिक है, सो बहुत ही ये ना प्रिसाइज ब्रिसल्स है, तो ये सेपरेट थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा वॉल्यूम देता है बट नॉट दैट मच. सो या नेक्स्ट जो है मेरे पास वो एक लिप ग्लॉस, मुझे बहुत दिनों चाहिए था लिप ग्लॉस. मैंने अपने लास्ट अमेजन का जो हॉल था उसमें दिखाया था कि मैंने एक लिप ग्लॉस परचेज किया तो था, लेकिन एकदम घटिया सा मुझे ना रिसीव हुआ है. मतलब ऐसे नहीं कि वो दूसरा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इसमें पार्टिकल्स था. सो दिस टाइम आई ऑर्डर दिस बेरीमेल लंडन ओ माई ग्लॉस लिप ग्लॉस. का जो प्राइस है 399 रुपीज, बट मुझे ये अमेजन पे 250 के अराउंड या फिर 300 के अराउंड मिल गया, विच इज अ वेरी गुड डील एंड इट्स वेरी गुड. आई मीन एज अ लिप ग्लॉस ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शाइनी इफेक्ट देता है. इसका शेड यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका शेड जरूर मेंशन कर दूंगी कि ये कौन सा शेड का है. ये थोड़ा सा पिंकिश शेड में है, बट समझ में नहीं आता किसी भी लिप क्लॉस के ऊपर, बट किसी भी लिप कलर के ऊपर इसे अप्लाई कर सकती हो. ये बहुत ही खूबसूरत सा यू नो परफेक्ट एकदम शाइनी लिप ग्लॉस लगता है, एंड ये इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास ये है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर फॉर टीथ व्हाइटनिंग. मैंने बहुत जगह इसे देखा भी था जाकर प्रोडक्ट यूज करते हुए, एंड दे आर सेटिस्फाइड, सो आई थॉट टू ऑर्डर दिस. एंड ये जो है ये हेल्थ विट एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर है, एंड ये जो है ये 20 ग्राम प्रोडक्ट है. जो मुझे इसका जो प्राइस है ये है 300 रुपीज, पर मुझे अगेन ऑफर पे मिल गया था ये जो प्रोडक्ट है, एंड विच इज लुक्स लाइक दिस. मैंने इसे अब तक यूज नहीं किया है, मैं बहुत जल्द से यूज करूंगी एंड आई विल शेयर दिस रिव्यू विथ यू गाइज. तो प्रॉब्ली मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी मैं, सो डू फॉलो मी ऑन देयर. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो है एक आई शैडो पैलेट, एंड ये जो है ये स्विस ब्यूटी हॉलीवुड आई शैडो पैलेट है, 32 कलर आई शैडो पैलेट. ये सब जो है शिमरी शेड है ये पैलेट का. सो ये जो मेरा शेड है ये है आई गेस मल्टी कलर समथिंग. इसमें दो शेड अवेलेबल है, वन इज अ न्यूड वन एंड अदर वन इज मल्टी कलर वन. सो आई हैव ऑर्डर दिस मल्टी कलर वन पैलेट एंड इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज ब्यूटिफुली पिगमेंटेड. सो यू विल गेट अ बिग साइज मिरर एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी मिरर, एंड आई लव दिस काइंड ऑफ पैलेट्स यू नो, जिसमें आई शैडो पैलेट में ऊपर आपको मिरर मिल रहा हो तो इस बहुत ईजी हो जाता है वर्क करना. सो इसका जो प्राइस है ये है अराउंड 400-500 समथिंग. तो ये एक दो शेड है जो काइंड ऑफ मैट थोड़ा शिमरी है, जिसे आप यू नो एज अ मैट शेड यूज कर सकते हो, एक या दो शेड, बट बाकी सब जो है शिमरी शेड है. तो वो मुझे नहीं पता था, बट नो वरी, बहुत ही खूबसूरत सा पैलेट है ये. एंड मैं कुछ आपके साथ जो है स्वाद जो है शेयर करती हूँ, लाइक ये ब्लू वन, दिस वायलेट वन जो मैंने अपने लास्ट वीडियो पे यूज किया है, दिस वायलेट वन, दिस कॉपर वन, दिस ग्रीन एंड दिस पिंक वन. And just look at the pigmentation, how pigmented and beautiful it is, and it's not that chalky at all. ये pink थोड़ा सा powdery लग रहा है मुझे, but otherwise जो other जो shimmery shades है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. And ये pink में shimmer लग रहा है, लेकिन ये जब मैंने swatch किया ना हाथ पे तो ये पूरा मुझे matte लग रहा है, I don't know why.
सो जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका पिगमेंटेशन. एंड ये पिंक वन, यस इट्स मैट, बट यहाँ पे ना शिमरी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई. बस यहाँ पे ये दो शेड ही मुझे आई गेस मैट लग रहा है, ये दो या फिर ये तीन, ये मैट होगा शायद, बट अदरवाइज मैंने सब सर्च कर लिया था, सब यू नो शिमरी था. एंड जो सिल्वर शेड्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, मैं दिखा देती हूँ. You can see this. So I really love this palette so much. बहुत ही ना glam eye look के लिए बहुत ही ना काम आने वाला है मेरा. है एक brushes का set. So ये जो है ये face and eye brushes का set है, जिसका price जो है 630 rupees जो offer पे था. So यहाँ पे आपको मिलता है total 10 pieces of brush, जहाँ पे आपको एक silicone सा applicator मिलता है जो कि foundation blend करने वाला है. एंड ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, सो आई एम गोना यूज़ इट टू. एंड मैं बताऊंगी कि कैसा इसका जो फिनिश है वो कैसा है, आई मीन फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद. तो यहाँ पे एक्चुअली सब अलग अलग ब्रशेस के लिए अलग अलग पैकेट था, क्योंकि मैंने सबको यू नो वॉश किया है ब्रशेस को अलग अलग से, इसलिए मैंने सब फेंक दिया है. मैंने बाहर का पैकेट जो है उसे रखा था. मैं इसको लेके ना ब्रशेस को लेके सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मैं वहाँ पे इसका डिटेल में शेयर करूंगी कौन सा क्या ब्रशेस आप मुझे मिला है. ओके सो ये इट्स नॉट 10 pieces, आई फॉरगॉट, यहाँ पे जो है 12 pieces है ब्रशेस का. एंड यहाँ पे जहाँ पे आपको 6 pieces मिलता है आई शेडो के लिए, एंड यहाँ पे बाकी जो 5 pieces है वो फेस के लिए मिलेगा. एंड ये जो है ये भी फेस के लिए, ये नोज कॉन्ट्रोल के लिए एक्चुअली बहुत काम आता है. सो ऐसे ब्रश मैंने वैसे पहले कभी यूज़ नहीं किया था. सो यस, ये बहुत ही क्यूट सा है. एंड इसका आप देख सकते हो ऐसा यूनिकॉर्न टाइप ऑफ इसका कलर है, जो मुझे बहुत पसंद है. ऐसा फैंसी ब्रश मेरे पास नहीं था, एंड इतना कम प्राइस में मिल गया. आई मीन 12 brushes आपको मिल रहा है 6 something में. सो लाइक ईच ब्रश आपको मिलेगा 50 rupees के अराउंड, सो विच इज़ अ वेरी गुड डील. सो या आई परचेस्ड इट. ब्रिसल्स आर वेरी सॉफ्ट यू गाइस, एंड यू नो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है. सो मैं जरूर यूज करके आपको साथ रिव्यू शेयर करूंगी. इमेज जो मेरे पास है वो मैंने घर पे पहनने के लिए दो शॉर्ट्स मंगवाई थी, 3 एक्चुअली, ये तो एक ग्रीन एक ब्लू में है और एक आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ये जो है मुझे 3 पीस मिल गया 238 में, विच इज अ ग्रेट डील मुझे. कि अभी जो मैं बाहर जा नहीं सकती शॉपिंग के लिए, तो मुझे घर पे पहनने का नो शॉर्ट्स चाहिए था. एक्चुअली ये इट्स नॉट फॉर वुमेन, इट्स फॉर मेन, बट मुझे ऐसे ही पसंद है, थोड़ा सा पॉकेट हो एंड थोड़ा सा खुल्लम खुल्ला हो. सो या आई हैव ऑर्डर्ड दिस. नेक्स्ट जो है मेरे पास एक टॉप है, जो आप लोगों ने पूछा था कि कहाँ से लिया, आपका टॉप का लिंक दे दो. तो ये टॉप जो है ये ब्लैक कलर का हाई नेक पफी मेश स्लीव वाला टॉप है, एंड ये बहुत ही सुंदर है. इसका प्राइस था वाइज 399 rupees. बहुत ही अच्छा मटेरियल का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, इट्स नॉट कॉटन. एंड मैंने इसे पहन के यू नो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाया है, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, शो कर दूंगी कि क्या कैसा वीडियो है. लेकिन इसे आपको मैंने 5 different way में स्टाइल किया था. सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो. जो लास्ट थिंग मेरे पास है अमेजन से, वो है एक इयररिंग, सो विच इज़ अ टैसल इयररिंग. एंड ऐसा मुझे बहुत दिनों से चाहिए था एक, जो अमेजन पे मुझे मिल गया. एंड इसका प्राइस आई गेस 150 के अराउंड था. सो यस, एंड इट ये गोल्डन में है, यू कैन सी ये जो है ये स्काई टैसल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बहुत ही गुड क्वालिटी है. ओके सो नाउ लेट मी क्विकली शो यू द प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम नायका. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस इनसाइट प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर. एंड ये एक्चुअली करेक्टर है, मैंने जो शेड है ये है 08 पिस्ता ग्रीन, जो मैंने यू नो मेरे जो रेड कलर का जो पिंपल का मार्क्स एक्ने मार्क्स होता है उसके लिए मैंने ये मंगवाई है. एंड राइट नाउ आई डोंट हैव एनी पिंपल्स ऑन माय फेस, बट स्टिल यू नो फॉर इमरजेंसी पर्पस आई हैव ऑर्डर्ड इट. एंड इसका जो प्राइस ये है 180 rupees, एंड इसका जो आपको मिलेगा टोटल 8 gram ऑफ प्रोडक्ट. मैंने इसे अभी तक एक्चुअली यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये सही शेड मुझे यूज़ करने का मौका नहीं मिला. सो दिस इज़ द शेड, एंड ये आई थिंक इज़ गोना वर्क वेरी गुड, बिकॉज इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छा है, थिक कंसिस्टेंसी में है. सो इट्स गोना कवर अप योर एक्ने स्पॉट, जो कि यू नो एक्टिव एक्ने होता है, एक्टिव एक्ने का मार्क्स या फिर कभी रेडनेस हो अराउंड नोज, वो भी इसे कैंसिल आउट कर देगा. सो यह पैसा सेम जो है इसका जो पैकेजिंग है, ये एली प्रोगल HD कंसीलर का कॉपी है, एंड इसका कंसीलर जो है बहुत ही प्राइसी आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको इनसाइड का जो कंसीलर है उसे एक बार ट्राई आउट किया जाए, क्योंकि सबसे ही आई थिंक रिजनेबल कंसीलर है, करेक्टर कंसीलर है नायका पे. नेक्स्ट मेरे पास 2 lip product है, एक्चुअली मेरे पास 3 था टोटल.
एक जो मैंने अपने बिगिनर वाला मेकअप पे शो किया था नायका का, वो मैंने पता नहीं कहा रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा। सो बाकी दो लिपस्टिक जो है मैं दिखा रही थी, दोनों ही नायका का है। एंड फर्स्ट वन इज इन नायका सो मैट बुलेट लिपस्टिक्स, जिसका जो मेरा शेड है ये है 20M, जिस कैरमल मार्गरीटा, एंड इसका प्राइस आई गेस 300 के अराउंड है। मैंने इसे ऑफर पे लिया है, तो इट्स कम्स विथ अ मैग्नेटिक क्लोजर एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कॉफिश ब्राउन शेड, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा किसी भी इंडियन स्किन टोन पे। मैंने इसे अपना इंस्टाग्राम पैडी जो मेकअप मैंने किया था, इंस्टाग्राम ट्रांसफॉर्मेशनल मेकअप, उससे मैंने इसे शो किया था। बहुत ही सुंदर यू नो कॉफिश ब्राउन कलर है, इट इज वेरी गुड, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। द सेकेंड लिपस्टिक आई हैव इज अगेन फ्रॉम नायका, जो कि है नायका पेन स्टिक लिपस्टिक। ये जो मेरा शेड है 15 स्मेल द रोज एंड विच लुक्स लाइक दिस, इसके आपको यू नो कैप पे मिल जाएगा, जो आपका कलर है एक्चुअली थोड़ा सा मॉविश पिंकिश काइंड ऑफ अ शेड है। सो ये जो शेड देख रहे हो आप, बहुत ही ब्यूटिफुल सा मॉविश पिंक शेड है। सो दिस इज द शेड एंड आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ। ये आई थिंक मुझे 290 के अराउंड मिल गया था। जो लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास है वो है ये बीट रेडी टू यूज फुल बॉडी वैक्सिंग किट, 20 स्ट्रिप्स होता है, वैक्स स्ट्रिप्स होता है, जो आई थिंक इसका प्राइस है 190 रुपीज। मुझे ऑफर पे थोड़ा सा ही 170 या 150 मिल गया था एंड ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। राइट नाउ मैं अभी भी बाहर नहीं जा रही हूँ फॉर वैक्सिंग पर्पज एंड यू नो पार्लर नहीं जा रही हूँ मैं, सो मुझे घर पे यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। नहीं मेरे पास होता है, मैं ख़त्म होता है मैं फिर से ऑर्डर कर लेती हूँ। सो या दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत ही यू नो आप इजिली इसे अकेले यूज़ कर सकते हो किसी के हेल्प के बिना। सो येस एंड लास्ट जो मेरे पास ऑर्डर चीज़ है वो है एक जीन्स, लाइक डेनिम जीन्स, जो पल्लाजो जीन्स और फ्लेयर जीन्स यू कैन से, जो मुझे वॉलिन से चाहिए था, बट ये मैंने लिया है ना ही अमेजन ना ही नायका से, ये मैंने लिया है मैडिश से। एक्चुअली मैंने गूगल पर सर्च करी थी ऐसे फ्लेयर जीन्स पलाजो जीन्स, तो वहाँ पे बस फर्स्ट जो ऑप्शन मिला शॉप का वो मैडिश का था एंड प्राइस पॉइंट वॉज लाइक प्रिटी डिसेंट। एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ये है 3000 रुपीज, बट मुझे ये सेल पे 1200 पे मिल गया। सो दिस इज द डेनिम फ्लेयर पैंट, यू कैन सी इतना ज़्यादा ये लॉन्ग है एंड जो मेरा वेस्ट साइज ये है 26 एंड ये जो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मैंने इसे पहना भी है, टैग ने रिमूव किया लेकिन ये जो है सैनिटाइज किया हुआ है पूरा। सो ये देख सकते हो इसका लेग जो है ये बहुत ही लाइक वाइट लेग है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, यू नो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मटेरियल में है। यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ना आपको बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पे धागा जो होता है ना बेल्ट लगाने के लिए वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे बस एक बटन है, बट ये मुझे परफेक्टली फिट करता है, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड ऐसा जो अभी जो पैंट है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए आई ऑर्डर दिस एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट लाइक द प्राइस पॉइंट आई पेड। सो या दिस इज माई अफोर्डेबल हॉल वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड हेल्पफुल लगा है, एंड हेल्पफुल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड या गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।